पांच पे, पांच ही गेंदों का सामना किया है। औसत अगर देखें अभी भी बढ़िया है, आठ से ऊपर। विक्रांत ने सिर्फ छह रन दिए पहले ओवर में, बांध के रखा था। विकेट तो विकेट गेंदबाज करते हैं, तो चलिए देखते हैं गेलन जो कि हमारी रोविंग रिपोर्टर है वो किसके साथ खड़ी है। वेल मेरे साथ है भोजपुरी दबंग्स की अनारा गुप्ता। अनारा सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर ये गेम आप जीत भी जाओ फिर भी आप सेमीज में नहीं पहुंच पाओगे, तो कैसे लग रहा है? या इट्स अ हार्ड लक, हम नहीं जा पाएंगे, बट फिर भी ये गेम है, हम लोग पूरा एफर्ट लगाएंगे अपना, जैसे कि लगा रहे हैं, हमने एक विकेट ले लिया है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी टीम अच्छा खेल रही है और हमारी टीम अच्छा है। अरे एक विकेट, वाओ दैट्स ग्रेट। ओह सॉरी दैट्स अ फोर, माय बैड, दैट्स अ फोर, ऊपसी, हार्ड लक। नो इश्यू, अभी तो मैच शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए क्या होता है। विल डेफिनेटली विन क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, पिछले मैचेस में बहुत मेहनत की है, लेकिन कभी कभी आपका लक नहीं चलता है, बट इस टाइम जरूर चलेगा। यस, चलो इस बार नहीं चला, अगले सीजन के लिए क्या लगता है भोजपुरी दबंग्स को क्या दिमाग में रख कर चलना चाहिए? हमें पता है हमारी फील्डिंग थोड़ी सी वीक है और थोड़ा सा हमारा बॉलिंग का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे विद टाइट फील्डिंग एंड गुड बॉलिंग एंड विल बी डेफिनेटली इन फाइनल्स नेक्स्ट ईयर। या ये मुझे बताइए कि इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स, यहाँ पे बहुत सारे आपके सपोर्टर्स आए हैं आपकी टीम को सपोर्ट करने, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी, कुछ तो मेरे फैमिली मेंबर्स आए हैं, दे आर फ्रॉम अहमदाबाद ओनली, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करने आए हैं। उनको ये पता है कि हम लोग आगे नहीं जाने वाले, लेकिन फिर भी उनका प्यार, उनकी सपोर्ट साथ में है, तो दैट इज़ वेरी गुड। और वो स्पेशली अहमदाबाद में है और मुझसे मेरे लिए आए हैं, दैट इज़ वेरी थैंक्स टू अहमदाबाद एक्चुअली। Right, thanks to Ahmedabad. Lastly, क्या लगता है इस साल का CCL 2015 कौन जीतेगा? मुझे लगता है शायद मुंबई हीरोज। मुंबई हीरोज, well a lot of people are putting their money on Mumbai Heroes. Thank you so much Anara. For now, it's back to you guys in the studio. Bowling, bowling. Thank you. और बहुत ही बढ़िया ललचाई हुई delivery, छक्का खाने के बाद विक्रांत ने बिल्कुल ही टॉसअप कर दिया था और चकमा खा गए। Bowling, bowling, bowling. राजा ओ डिप कर गया, अगर विकेट में रहता तो आउट हो जाते। चलिए फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में मैं अतुल वासन और मेरे साथ अब आई हैं अंजुम चोपड़ा, बहुत रिलैक्स रेस्ट कर लिया उन्होंने और काफी खुश नजर आ रही हैं। ओ लवली नो रन, खुशी का राज क्या यार अंजुम? लवली 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 दैट्स इट, सेलेक्ट लवली। शुक्रिया अतुल, और खुश होना ही चाहिए क्योंकि आराम मिला है और जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे समर्थक हैं भोजपुरी टीम के, वो भी बहुत खुश हैं। पर फर्क ये है कि वो अब क्योंकि भोजपुरी टीम नहीं पहुंच पाएगी सीसीएल 5 के सेमीफाइनल में, तो उन्होंने अपना पासा जो है वो बदल लिया है और वो खुद कह रहे हैं कि मुंबई हीरोज फेवरेट है। यकीनन देखते रहेंगे, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 51 एक विकेट के नुकसान पे। हेलो Triple X Energy Drink CCL powered by Parle 2020 Cookies. आज का दूसरा मुकाबला Bengal Tigers बनाम Bhojpuri Dabangs. Bengal Tigers अभी तक पावर प्ले के अंदर 36 गेंदों के अंदर 51 रन बना चुके हैं, जिसमें 5 चौके और 2 लंबे छक्के जो आज देखने को मिले। That means intention बिल्कुल सही, intent बिल्कुल clear. और कोशिश पूरी करते हुए यहाँ बंगाल टाइगर्स जो अभी तक के मुकाबलों में देखने को कम मिली, वो यहाँ एक पॉजिटिव सोच। और अच्छी रनिंग बिटवीन, 3 रन भागने में कामयाब रहे। हल्का सा आउटफील्ड फर्क का, जो अभी तक दोपहर का मुकाबला देखा था उसमें देख रहे थे कि आउटफील्ड बहुत फास्ट है, बट टीम वर्क इवन इन द फील्डिंग सेशंस। Vic
रन रेट अच्छा है, लगभग 9 के आसपास चलते चले जा रहे हैं, बीच बीच में बीट होते हैं और फिर एक बड़ा स्ट्रोक लगा के, ओ देखिए, ओ कमाल का शॉट था, फिर ऐसा लगा नहीं कि लगा स्लाइस सा हो गया बैट के फेस से, पर ये इंटेंशन साफ है कि अब राजा चाहते हैं कि वो भरपाई करें जॉय के आउट होने के बाद, अपना जो रन रेट है वो बना के रखें। विनायक थोड़ा सा धीमा होते चले जा रहे हैं और थोड़ा प्रेशर भी है उनके ऊपर अब, क्योंकि उन्होंने जॉय को रन आउट करवाया है। इस मुंह से जाएंगे वापस अपने खेमे में अगर रन नहीं बनाए तो। जॉय को रन आउट करवाया है या जॉय रन आउट हुए हैं अतुल, आपको क्या लगता है? जिस तरह से जॉय सिर झटक झटक के जा रहे थे तो उसको उनको तो लगता है कि विनायक नहीं आउट करवाया है। जो बल्लेबाज आउट होके जाता है वो सिर झटक के ही जाता है, चाहे वो भले ही बोल्ड हो गया हो। ये तो बात बिल्कुल सही है, पर ये अच्छी एक डिस्कशन पॉइंट जरूर रहेगा। ये है रन आउट जब जॉय आउट हुए, ये देखिए शॉट खेला, शॉट मिड विकेट की तरफ, और सिर्फ जॉय को ही देखिए, रुके ही नहीं कहीं पे। हम कहते हैं नियंत्रण रखना, वो तो उन्होंने बिल्कुल नहीं रखा, इसीलिए पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने आउट करवाया या किया अपने आप को। एक कदम आगे आके फिर पूरा गए नहीं तो फिर करवाया ही सही। दीपाली बहुत खुश नजर आ रही थी, अब थोड़ी एक दो छक्के लगने के बाद थोड़ी सी शांत है, हम अगले विकेट के इंतजार में हैं। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए, जानते हैं कि विनायक है वो लंबे छक्के लगाने में कामयाब हो भी सकते हैं, एटलीस्ट कोशिश उन्होंने अभी तक यही करी है, लेकिन वो बतला रहे हैं कि देखिए आप एक खिलाड़ी और आपको दायरे के अंदर रखना पड़ेगा, 5 खिलाड़ी हैं जो दायरे के अंदर रहने चाहिए हर वक्त। एक बार और गेंद हवा में, क्या कैच हो सकता है या नहीं? ओहो हो, पूरा घूम गए, कोशिश जरूर करी थी, पर यहां देखना होगा, वहां नहीं पकड़े गए तो यहां पे रन आउट हो गए। ओहो हो, कॉमेडी ऑफ एरर्स। देखिए इसे कहते हैं डिवाइन जस्टिस, सब परेशान होंगे पर जॉय खुश होंगे, विनायक भी रन आउट हो गए, बहुत बढ़िया कोशिश की थी। ओहो, डायरेक्ट हिट, दूसरे विकेट का पतन बंगाल टाइगर्स, विनायक 16 रन बना के मैदान में बाहर। ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पावर्ड बाय पायलट 2020 कुकीज। जिशु द न्यू मैन एंड द स्किपर ऑफ बंगाल टाइगर्स वॉक्स इन टू बैट, एक रेट 115 है जो कि बेहतर है, एवरेज थोड़ा और बेहतर जरूर करना चाहेंगे। सात ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान पे 58 बंगाल टाइगर्स।
ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पार्ट बाय पायलट 2020 कुकीज। और गोल टाइगर्स का अभी तक का बल्लेबाजी का क्रम किस रन बना के जॉय बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे पर रन आउट हो गए 21 पे और विनायक भी उनको पीछे पीछे चलते हुए और फिर उसी गेंद पर रन आउट होते वापस चले गए 16 रन बना के। सो एक अच्छी साझेदारी रही शुरुआत के अंदर बट कैरी ऑन नहीं कर पाए। अब जरूर देखना होगा कि अगले आने वाले बल्लेबाज जो हैं खासतौर पे कप्तान जिशु क्या एक पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं। पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी थी ऑलमोस्ट रन बॉल खेलते जिशु। यहाँ पर एक और कैप्टन इनिंग्स खेलनी होगी। आदित्य ओझा नए गेंदबाज भोजपुरी दबंग्स के हैं और ये है वो लम्हा जब विनायक रन आउट हुए कैच छूटा उनका शॉर्ट स्क्वायर लेग पे डबल रन के लिए जब वासंगे रन के लिए वापस आते हुए डायरेक्ट थ्रो लगी और रन आउट हुए। कमाल का शॉट मेरे को लगा मिस इट हुआ और शायद कैच हो जाएंगे। इतना जगह नहीं थी जितने बॉल को शॉर्ट पिच बना के बैक फुट से मारा उन्होंने। बहुत जबरदस्त टाइमिंग और लेग स्पिन को वैसे भी मुश्किल लगता है ऐसे शॉट्स लगाना पर ना तो ये लेग स्पिन हुई और ना ही उनको कोई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। सिर्फ सामने वाला पैर साइड हटाया और पूरी पावर लगा दी उस शॉट पे। ऐसा लगा जैसे बॉल जस्ट स्टेड अप हिट। साफ तौर पे जो उनकी इंटेंशन है वो क्लियर और क्यों ना हो पर आप इतने पावरफुल हिटर हैं जैसे एक गेंद पहले शॉट लगाया था तो इस पर भी चांस पूरा लिया उन्होंने। 23 रन बना के अभी तक 2 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं। बिग बिग्स का होप फॉर द बंगाल टाइगर्स शुड बी अ बाउंस फॉर जस्ट अ कपल ऑफ बाउंसेस एंड इन टू द फेंस। राजा रियली टर्निंग ऑन द हीट फॉर द बंगाल टाइगर्स। फिर से ऐसा लगता है कि जैसे लगा नहीं है रिस्ट और फोर आर्म की पावर इतनी जनरेट करते हैं कि देखिए किस तरह से गैप में गई और 4 रन। इतनी अलग ही स्टाइल है बल्लेबाजी करने का। एक और मौका हवा में गेंद पर जब आपने ठान ली हो कि आक्रामक रुख अपनाना ही है और रन बनाना ही है तो फिर चिंता किस बात की। बिग ब्रदर फाउंडेशन डोनेटिंग 1000 रुपीज फॉर एवरी रन स्कोर्ड इन सीसीएल 2015। लॉट ऑफ सोशल कॉजेस जॉइनिंग देयर हैंड्स विद क्रिकेट एंड सेलिब्रिटीज। लेग स्पिनर को हमेशा मार क्यों पड़ती है अतुल? ऐसा क्यों है जी हमेशा लेग स्पिनर बॉलिंग करने आते हैं पहले 2-3 बॉलों में या तो वो विकेट ले लेते हैं या फिर वो चौके ही नहीं रुकते? ये तो मुझे शेन वॉन से पूछना पड़ेगा और उनसे पूछ के बताऊंगा कि आपने पूछा ये। शेन वॉन तो बोल के बॉल डाल देते हैं और ये बोल के बताते हैं कि इस पे चौका पड़ेगा या इस पे आउट होगा। कितनी स्किल है उनमें। लेग स्पिन हमेशा 2-धारी तलवार रहती है या तो टीम को मैच जिता देती है या फिर महंगे भी साबित होते हैं पर ऐसे मर्क्यूरियल एक गेंदबाजी रहती है जो हमेशा काम में आती है। 8 ओवर के बाद 73 पे 2।
Flex Energy Drink CCL powered by Parle 2020 Cookies. Yeah, yeah, yeah. Raja. King, king. Man in vision. Raja. And man on a mission. Yeah. Both for the Bengal Tigers. Off break bowler. Ab aaye hain gendbazi karne ke liye Asghar Rashid Khan. Parle 2020 end se. क्या ये रोक पाएंगे? ओ बेहतरीन, राइट ऑन टारगेट, हल्का सा टर्न, एक्यूरेसी. हो सकता है कि ये बहुत बड़ा और बहुत ही बढ़िया मूव हो भोजपुरी दबंग्स के कप्तान द्वारा. जानते हैं कि एक है, बड़ी विकेट हो सकती है. राजा यहाँ पर अगर एक लंबी पारी खेलने में कामयाब हुए तो उनके लिए खतरा बन सकता है. गेट योर ऑलमोस्ट द बेस्ट बॉलर इन ऑपरेशन. बिल्कुल बीचों बीच, ओ पैड पे पहले लगी है. अच्छी अच्छी अपील. देखिए अब क्या करते हैं राजा. ओ बढ़िया गेंदबाजी है ये. अगर स्लिप होती तो सीधा कैच रहता. इसका कोई जवाब नहीं था राजा के पास. इनफैक्ट मुझे लगता है कि शीत की गेंदबाजी के लिए जरूर एक स्लिप लगानी चाहिए. सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि स्लिप में गई है, बट इसलिए कि जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, स्किड करता है गेंद उनके हाथ से. और बल्लेबाज अगर सीधे बैट से ना खेले तो हमेशा चांस रहेगा स्लिप में गेंद जाने का. लेग स्पिनर के लिए जरूर स्लिप लगाई थी उन्होंने, पर अगर ऐसी गेंदबाजी करने की वो कोशिश भी करेंगे तो फिर लेग स्लिप भी रखनी पड़ेगी लगता है. ओ अजॉय खुश नहीं होंगे. कि मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन है. कई बार सिर्फ बिकॉज लेग स्टंप मिस करने से ही आपका वाइड हो जाए, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि कौन सा बॉल कैसा है. ये बॉल बिल्कुल लेग स्टंप के करीब से निकल गया. हेलो. और अगर अपने नॉर्मल स्टांस पे खड़े रहते हैं बल्लेबाज तो पैड पे लगता जाके. बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग. नो ओवर की समाप्ति 78 फॉर 2. टाइगर्स का प्रोजेक्टेड स्कोर अभी ये नहीं कहूंगी जल्दी है, लेकिन एक अच्छी इंडिकेशन जरूर बतलाता है कि अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे तो 173 जरूर पहुंचेंगे. लेकिन अगर 10 ओवर के साथ चलते रहेंगे तो 188 तक जरूर पहुंच सकते हैं. तो कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत कि आप ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे रन एवरेज पे बना रहे हैं. मुझे लगता है कि अगर 170-175 के आसपास अगर बंगाल रन बनाने में कामयाब रहती है, जो कि प्रोजेक्टेड स्कोर के हिसाब से, तो यकीनन भोजपुरी के लिए एक चुनौती वाला स्कोर जरूर रहेगा, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए हैं.
नो रन। अच्छी गेंदबाजी और जिशु थोड़े करेक्ट प्लेयर है, मुझे लगता है कि तकनीक कहीं बेहतर है राजा से, पर इफेक्टिव देखेंगे तो फिर आपको राजा ही इफेक्टिव नजर आएंगे। 22 गेंदों में 33 रन बना चुके हैं जिशु, 6 गेंदे खेल के 4 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये अच्छा टप्पा है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। लेग स्पिनर की आपने बात की थी अंजुम, मुझे लगता है कि इवन वन डे में क्या T20 में क्या बहुत वैल्यू है। अगर आपको विकेट्स लेनी है ऐसा लगता है कि बल्लेबाज को कि मैं इसको डोमिनेट कर लूंगा, पर कहीं ना कहीं एज निकल आता है या आप टाइम नहीं कर पाते। अगर टप्पा सही है लेग स्पिनर का तो बहुत बढ़िया एक एसेट रहता है टीम में। हाँ बिल्कुल सही, मुझे लगता है कि अगर आप बॉलिंग टीम के अंदर एक लेग स्पिनर जो डेफिनेटली बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक्यूरेसी का, अगर वो एक्यूरेट है और आप उनको अपनी टीम में रख सकते हैं, मुझे लगता है हमेशा एक एसेट ही रहेंगे। क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में देखें, आपने 4 ओवर डालने और अगर 6 ओवर के बाद पावर प्ले होने के बाद आप उनको गेंदबाजी करने के लिए लाते हैं और अगले 14 ओवर के अंदर आपने 4 ओवर उनसे कराने हैं, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी पेडेस्टल प्रोवाइड कर सकते हैं, विकेट दे सकते हैं और एक अटैकिंग गेंदबाज भी होते हैं। जब से रिस्ट्रिक्शंस के रूल चेंज हुए हैं ODIs में, और दूसरी दिक्कत है कि 2 नई गेंदों से आजकल ODI होती है तो बॉल पुराना होता ही नहीं है, तो स्पिनर्स का मुझे लगता है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ये देखिए, और राजा या आगे या पीछे डॉज कराते रह रहे हैं फील्डर्स को, ऐसे ही लगता है कि कैच आएगा या तो पीछे चले जाता है या आगे गिर जाता है। दिलों के साथ खेल रहे हैं राजा इस समय। Is the 100 yards initiative donate at thehruday.com save a life. Okay come on. ऐसा हमेशा कहा जाता है कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो क्रिकेट आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है, और अगर आप कमेंटेटर हैं तो आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। बट 10 ओवर की समाप्ति, हाफ ए मार्क, 81 for 2।